दोस्तों नमस्कार, मैं बिसी पटेल इजी इलेक्ट्रिकल में एक इंटरव्यू टॉपिक लेकर आया हूँ, डाटा पावर लाइनमैन इंटरव्यू। सब स्टेशन का जो स्विच गियर होता है, जो स्विच गियर रहता है, जो कट ऑफ ब्रेकर रहता है, जिसको हमने एवी स्विच के माध्यम से जाना जाता है, उसके बारे में एक इंटरव्यू पूछा गया था, कॉमन इंटरव्यू है। और बहुत सारा मेरे दोस्त लोग बोले कि हम लोग को ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसका मेंटेनेंस जो ऑनडम है, ऑपरेशन और मेंटेनेंस बारे में। अगर आपने मेरी इजी इलेक्ट्रिकल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर तो जरूर करिएगा, ताकि मैं नया नया वीडियो आपके सामने लाते रहूं। देखिए, सब स्टेशन का डिस्कनेक्टर स्विच बोलते हैं, ए बी स्विच को सब स्टेशन का डिस्कनेक्टर स्विच बोलते हैं। ये पूरा ओपन एयर में रहता है, उसमें कोई गड़बड़ देखिए, यही है दोस्तों, ये है आपका ए बी स्विच, एयर ब्रेक स्विच, ओवर हेड डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन का। ये अलग अलग रेंज में रहता है, अलग अलग मॉडल में रहता है। और इसमें क्या होता है, इसका जो पाइप रहता है, बार रहता है, बेरिंग में कंट्रोलिंग होता है, और ग्रीसिंग मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है। देखिए, यही है आपका एयर ब्रेक स्विच सब स्टेशन का। इस तरह से रेंज में रहता है, 11 के भी कल अलग रहता है, 33 के भी कल अलग रहता है, 132 के लिए अलग रहता है, 222 के भी के लिए अलग रहता है, 400 के भी के लिए अलग रहता है, अलग अलग रहता है। तो मैं करके मैं डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन के बारे में बता रहा हूँ। जो ये भी स्विच है, ये देखिए एलए लगा हुआ है, एलए से आपका जो कंडक्टर है ऊपर रहता है, और एक बार रहता है, रड रहता है, और इसमें हमने ऑपरेट करते हैं। और जब भी आप ऑपरेट करते हैं तो एसटी हैंड ग्लोव पहनना बहुत जरूरी है, इसमें कुछ रहता ही नहीं है। और इसका अर्थिंग, जो एबी स्विच का अर्थिंग मस्ट कंपलसरी होना चाहिए दोस्तों, यही एयर ब्रेक स्विच। देखिए इस तरह से रहता है, ये हवा में ही रहता है, और इसका हैंडल के माध्यम से हमने इसको ऑन या ऑफ करते हैं। देखिए टाइप ऑफ एबी स्विच, सिंगल पोल एयर ब्रेक स्विच रहता है, और द गैंग ऑपरेट एयर ब्रेक स्विच रहता है, दो टाइप में रहता है, इसका कोई अनदर टाइप नहीं है, दो टाइप है, सिंगल पोल एयर ब्रेक स्विच एंड गैंग ऑपरेट एयर ब्रेक स्विच, दो टाइप का स्विच होता है, और दोनों ही मोस्ट पॉपुलर है, दोनों को यूज करते हैं। देखिए यही एबी स्विच आया, कट ऑफ हुआ, इसमें क्या होता है, एक कंडक्टर्स को कट ऑफ करने के लिए हमने बार सिस्टम अवेलेबल, 12 के भी, 24 के भी, 36 के भी, 72.5 के भी एंड 125 के भी के लिए, ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में होता है। टोलर मोड सॉल्यूशन अडेप्ट टू स्पेसिफिकेशन सबस्टेशन लेआउट रिक्वायरमेंट, ये लेआउट करने के लिए या ऑन और ऑफ करने के लिए ही लगाते हैं। और इसका मेन रीजन आपको पूछा जाएगा कि ए बी स्विच को ऑपरेट करने के लिए हैंड ग्लव जरूरी है, और इसका मैकेनिज्म कभी कभी जाम होता है, तो ग्रीसिंग टाइमली चाहिए। ये देखिए 132 ओवर ग्रिड के लिए इस तरह का भी आपका, देखिए एयर ब्रेक चेंज ओवर स्विच इन द एसेंशियल यूनिट और ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन यूज कनेक्ट टू डिसकनेक्ट पावर सिस्टम कैटन पार्ट ऑफ ओवरहेड केबल ट्रांसमिशन ट्रांसफॉर्मर फ्रॉम द मेन पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन फ्यूचर आइडियल स्विच ओवरहेड सिस्टम। ये ओवरहेड सिस्टम के लिए ही सुइटेबल है ये ए बी स्विच, आप जान लीजिए। योर ब्रेक स्विच इसका मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। और क्या होता है, कभी कभी हम ए बी स्विच को काट के भी कई सारा काम करते हैं स्ट्रक्चर में, अपना सब स्टेशन में, तो ए बी स्विच को हम बाईपास नहीं कर सकते हैं, ए बी स्विच लगना बहुत जरूरी है। ए ई एफ स्विच, ये जो रॉड दिखा रहा हूँ, देखिए एयर ब्रेक स्विच डेफिनेशन, एयर ब्रेक स्विच एंड द एसेंशियल यूनिट ओवरहेड पावर ट्रांसमिशन लाइन में, पहले ही बता चुका था कि ये ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के फॉर कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट, ऑन और ऑफ के लिए ही लगाते हैं इसका, और कोई ज़्यादा नहीं है, पार्ट ऑफ ओवरहेड लाइन एंड ट्रांसमिशन लाइन के लिए एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए, मेनली ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में ज़्यादा करके हमने करते हैं ये ए बी स्विच। और इसी की बात कर रहा था, ये जो रॉड है ये हाई करंट का रहता है, देखिए यही ए बी स्विच। एयर ब्रेक स्विच आर द क्लासिफिकेशन इज टू टाइप, दे आर सिंगल पोर एयर ब्रेक स्विच एंड द गैंग ऑपरेट एयर ब्रेक स्विच। सिंगल पोर एयर ब्रेक स्विच यूज इन द ओपनिंग ओनली वन कंडक्टर, सिंगल फेस का हमने वन कंडक्टर में यूज करते हैं, और गैंग ऑपरेटर
ये सिंगल फेज का वन कंडक्टर में होता है और यंग ऑपरेटर का जैसे बहुत कंडक्टर। देखिए क्या होता है इसमें, इंसुलेटर रहता है, कॉन्टैक्ट आर्म रहता है, वायरमेंस रहता है, इंसुलेटिंग बेस चैनल रहता है, स्टॉपर रहता है और चैनल गैंग ऑपरेटर स्विच। जियो स्विच द आर कॉमनली नाउ इन द स्विच डिवाइस यूज इन द ओवरहेड पावर लाइन। देखिए जो गैंग ऑपरेटर स्विच होता है ओवरहेड पावर लाइन के लिए यूज करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड ईयर ब्रेक स्विच। दे आर यूज ईयर इन द ब्रेकिंग मीडियम और जीओडी गैंग ऑपरेट डिस्कनेक्टर स्विच भी बोलते हैं इसको। इसमें भी यही सारा चीज लग रहता है, जो ईयर ब्रेक स्विच है, इंसुलेटर रहता है, स्टेशनरी आर्किंग हॉर्न रहता है, यही जो कि मेल फीमेल को कनेक्ट करता है, स्टेशनरी आर्किंग हॉर्न मेल फीमेल को कनेक्ट करता है, स्टॉपर रहता है और इसका जो हैंडल रहता है एक बेरिंग से मूव आउट होते रहता है और इसका पाइप के माध्यम से हमने ऑपरेशन करते हैं। और आप जान लीजिए कि इसमें सबसे पहले क्या है कि आपको हैंड ग्लोव यूज करना है, प्रॉपरली सेफ्टी शू यूज करना है, हेलमेट यूज करना है और आपके पास अगर आरसू ड्रेस है तो भी पहन लेना चाहिए जब आप एबीसी को ऑपरेट करते हैं। कभी कभी क्या होता है आप लोड में भी एबीसी ऑपरेट करते हैं तो लोड में कभी एबीसी ऑपरेट मत करिएगा। द ईयर ब्रेक स्विच द मोस्टली इंस्टॉल इन द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्विचिंग पॉइंट द इंटरप्रेट द स्मॉल एक्साइटेशन करंट इन ट्रांसमिशन लाइन ऑफ द कैपेसिटी चार्जिंग करंट द मैक्सिमम वोल्टेज द स्विचेस अप टू 35 के भी। हम ए बी स्विच 35 के भी के लिए डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज करते हैं ज़्यादा करके एंड कॉल गैंग स्विच। और इससे ज़्यादा करना तो हमको गैंग स्विच करना है और आप सेफ्टी से ही एयरबैग स्विच को ऑपरेट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इजी इलेक्ट्रिकल। इसमें और ज़्यादा बताने का जरूरत नहीं है, ये एयरबैग स्विच है दो टाइप का।